तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मेकेट है जो लेटर उसकी डेड बॉडी पे रखा गया था ना, वो लेटर निकाल कर रीड करने लग जाता। जो पहला लेटर है ना, पहला लेटर उसकी बहन का यहाँ पे था। तो ये लेटर रीड करता है तो लेटर में लिखा हुआ था कि हेलो भैया कैसे हो, आपने जो पिछला लेटर यहाँ पे भेजा था ना पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अंकल आंटी या मेरे मम्मी पापा को छुटकी को कि भाई आप सही सलामत हो, और मम्मी जान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि वो मेरे भतीजे ने लेटर यहाँ पे लिखा। इतनी खुश थी कि उन्होंने टेबल को मारा कि टेबल यहाँ पे टूट गया खुशी के मारे। हमारा मेकटा समझ जाता खुशी के मारे नहीं, गुस्से के मारे उन्होंने टेबल को मारा होगा और टेबल यहाँ पे टूट गया। आई डोंट नो यार, इसको ऐसा काई को लग रहा है कि खुशी के मारे उसने ऐसा किया। और बाद में लेटर आगे पढ़ता है तो लेटर में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि अपनी छुटकी है ना वो स्कूल यहाँ पे जाने लगी है, और स्कूल में फाइनली उसने ABCDEFGIJKL यहाँ पे सीख लिया है, और दो चार ना उसने पोयम यहाँ पे सीख लिया है। तो जैसे ये सीखा ना, मम्मी जान और पापा जान तो बड़े खुश हो गए, खुशी के मारे उनको रोना आ गया। हमारा मेकेट अभी देखता हुआ, मेरी बुद्धू बहन ने इतना सीख लिया, मेरे को भी रोना यहाँ पर आ गया। फिर आगे लेटर ये भी लिखती हैं, लेकिन छुटकी काफ़ी बुद्धू यहाँ पर है, वो जैसे स्कूल जाती शायद बच्चे उसे परेशान भी करते हैं। अम्मी जान उसे काफ़ी महंगा कड़ा ला के दिया था, लेकिन किसी ने परेशान करके उसका कड़ा जबरदस्त उसके हाथों से निकाल लिया, उसके हाथों पर पूरा निशान भी यहाँ पर बन चुका है। लेकिन जब हमने पूछा किसने किया क्या किया, वो बुद्धू बेचारे कुछ बता ही नहीं पा रही, उसके दिमाग में ना कड़ा हो क्या हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना यहाँ पर फ़र्क पड़ता। कोई खाना उससे चोरी करेगा ना तो जाके वो रोएगी या चिल्लाएगी या कुछ यहाँ पर बताएगी। इसके अलावा वो स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला था जिसमें भाई घर की तैयारी करते हैं, सब लोग मिलने यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या भाई अब्बा जान नहीं आ सके क्योंकि वो काम में बिजी यहाँ पे थे। हम खुद सामने से गए, बोला कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा छुट्टी दे दो आज के लिए, लेकिन ही हमको ऊपर चिल्ला के यहाँ पे भगा दिया। अगर आप घर पे होते ना तो शायद ऐसा ना होता, और हमारा जो फेस्टिवल है ना काफ़ी अच्छे से निकल जाता, लेकिन फेस्टिवल उतने अच्छे से नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो भैया है मेरे वाले भैया अपने भैया आई डोंट नो उनको क्या हो गया, वो जब से आए ना मुँह लटका के खड़े यहाँ पे थे। अब्बा जान ने बताया कि भैया हमारे पुराने घर पे जाके बाहर यहाँ पे बैठा हुआ था, ठंड में बैठा हुआ था, ना खाने को पैसे थे ना ही होटल में जाने के पैसे यहाँ पे थे, ना हमने लेटर दे के बताया था, तो उसी को लेकर नाराज़ यहाँ पर है कि मुझे बात ही नहीं करना और बात ही करना बंद कर दिया। हमारे मेकेट अभी लाइक ओहो, मैंने अंकल को बोला भी था लेटर लिखने को, मुझे लगा कि भाई अपने बेटे को लेटर लिख दिया होगा, नहीं लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन मुझे भी उसका मुँह यहाँ पे देखना है। काश यार मैं भी रहता उसका उदास मुँह देखता तो मज़ा आ जाता। आगे का लेटर रीड करता तो आगे के लेटर में लिखा हुआ था कि अम्मी जान हमेशा मुझे फोर्स करती भाई शादी कर ले। मैंने भी बोल दिया मुझे शादी नहीं करना, मतलब नहीं करना। अगर उनको इतने ज़्यादा शादी करवाने का शौक है वो अपनी शादी वापस से कहीं नहीं करवा लेती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करना, और आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आई होप आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ। हमारा मेकेट अभी सोचता है यार वो आंटी उनकी शादी हो रखी है, वो दूसरी शादी यहाँ पे कैसे कर लेंगे यार, हाँ तो शादी नहीं कर सकती है। रही बात याद तो मुझे भी इसकी यहाँ पे आ रही है। तो ये पहला लेटर था इसकी बहन का, अब सेकंड लेटर जो कि फूशियन का यहाँ पे था, तो सेकंड लेटर यहाँ पे रीड करता है तो लेटर की शुरुआत होती है कि अरे यार शौकियन मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा याद यहाँ पे आती है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मन तो करता है कि काश आप मेरे बाजू में यहाँ पे लेटे रहते, मैं जब चाय बनाती हूँ ना मुझे याद आता है कि शीट अगर आप होते आपको लेके जाती आपको चाय पिलाती आप चाय पीते और आप बोलते क्या चाय यहाँ पे बनाइए, लेकिन वो सारी चीज़ों की बड़ी याद आती है, बड़ा बोरिंग भी आपके बिना यहाँ पे लगता है। हाँ तो जो मेहमान लोग आते हैं ना भाई, तो कभी कभार जाकर उनकी बातचीत यहाँ पे सुन लेती हूँ, हाँ लेकिन उनकी जब बातचीत सुनती हूँ ना उतना मज़ा यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि वो सब नल्ले हैं बेकार है, टैलेंट वैलेंट उनके अंदर यहाँ पे नहीं है। जो टैलेंट आपके अंदर है, जो आपके साथ मेरी मुलाकात हुई ना, मुझे लगता है ये जो मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मुलाकात है। कुछ दिन पहले मुझे खबर यहाँ पर आई थी कि यूजू एरिया के अंदर भी आपने कमाल का पोयम यहाँ पे बोला, जो पोयम हर ऑफिसर लोग क्या जो ऑफिस है ना ऑफिस के बाहर यहाँ पे लगा था, वो जैसे मैंने पोयम यहाँ पे सुना ना भाई कसम से दम दिल गार्डन हो गया। हीर आप ग्रेट हो, आपकी बड़ी याद आती है, जल्दी आ जाइएगा आपकी प्यारी फूशियन। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी देखता कि ओ माय गॉड क्या बात है, और दो लेटर अभी और बचा हुआ है, एक सेकंड, मैंने पांच लेटर यहाँ पे लिखा था फूशियन को, बहन को, दोनों प्रिंसेस को और वाई को, लेकिन रिप्लाई में बस मेरे को चार यहाँ पर आया, यानी किसी एक ने लेटर मुझे नहीं लिखा है, लेट मी सी भाई किसने मुझे लेटर नहीं लिखा है। तो जैसे तीसरा लेटर रीड करता है ना तो इसका यहाँ पे था भाई क्या बोलते हैं कमीनी वाली प्रिंसेस यानी सेकंड प्रिंसेस का, उस पर लिखा था मेरे गुलाम मुझे ना तेरी याद बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, आई डोंट नो तू कब वापस यहाँ पर आएगा, बट मैं दुआ करता हूँ जल्दी से तू वापस यहाँ पे आ जाए। क्या ना भाई फेस्टिवल यहाँ पे आने वाला है, तैयारी व्यारी करने के लिए बंदे लोग की कमी यहाँ पे पड़ रही है, हाँ तो मुझे नौकर यहाँ पे चाहिए, तू अच्छा नौकर यहाँ पर अच्छे से काम करेगा। हमारा मैं कहता देखता भाई इसने नाम भी अपना लिखा ना रहता, मैं पहचान जाता है सेकंड वाली का है भाई, पहली लाइन में इतना घमंड इतना एटीट्यूड प्रिंसेस वाला कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। हाँ लेकिन एटलीस्ट इसने लेटर तो यहाँ पे लिखा ना, किसी एक ने लेटर यहाँ पे नहीं लिखा, आई डोंट नो किसने नहीं लिखा लेकिन इसने लिखा। आगे का यहाँ पर रीड करता हूँ तो आगे ये लिखा हुआ था कि वेल हाँ तो क्या बोलते भाई, वो जो तूने गेम बना के मुझे दिया था ना, तो गेम मैंने बाकी बंदे लोग को बताया, बाकी बंदे दीवाने हो गए सब यहाँ पे गेम खेलते, और मालूम है क्या मैंने लोगों को क्या बोला कि ये गेम मैंने इन्वाइट यहाँ पे इन्वेंट किया है, यहाँ तक कि जो बड़की प्रिंसेस है ना वो भी मेरे तलवे यहाँ पे चाटने
चाटने लगी है, नहीं हालांकि सच में तलवे चाटने लगी नहीं है, लेकिन मनी माने वो भी मेरे को महान यहाँ पे मानती है, लेकिन पब्लिक बोल नहीं ना सकती क्योंकि मैं सेकंड प्रिंसेस हूँ, बड़ी हो मेरी दीदी लगेगी, दीदी होकर अपनी छोटी के सामने घुटने पे आ जाएगी ना तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए कभी घुटने पे नहीं आती है, लेकिन मनी मन वो घुटने पे आ चुकी है। हमारा मेकअट अभी देखता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा यहाँ पे सोचे जा रही है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आगे का लेटर लीड करता तो आगे ये लिखा हुआ था कि क्या ना फेस्टिवल आने वाला था, अब जहाँ से मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया तो उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे यहाँ पे दिए, तुझे चाहिए ना जाना मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। हमारा मेकअट देखता है बाकी किसी चीज में ये काम आए या ना आए, लेकिन बुद्धू बना के इसे पैसे में बहुत ही कमा लेता हूँ, जैसे पापा जाऊंगा ना तो बुद्धू बना के देखना फिर सारे पैसे कमा लूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ था केवल यह जो चिकन एसेंस यहाँ पे था, यह मालूम है क्या लोग क्या कहते हैं, जो सेट में वाई नाम की लड़की है ना उसने इन्वाइट यहाँ पे किया है, यह मेरा दिमाग का दही हो गया कि भाई चिकन एसेंस तूने यहाँ पे बनाया ना तो मैं सेट में यहाँ पे घुस गई, मैंने उनको गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दी कि भाई तू ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई तुमने नहीं बनाया, ये तो मेरे गुलाम शाह ने बनाया, तो उन लोगों ने मेरे से पंगा नहीं लिया क्योंकि मैं सेकंड प्रिंस थी ना, लेकिन मेरे बाप को जाकर कंप्लेंट कर दिया और मेरे बाप ने मुझे माँ बहन की इतनी गंदी गालियाँ दिया, इतनी गंदी गाली दी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ यहाँ न्याय हुआ है, तू वापस आना और तू न्याय करना। हमारे मेकअट अभी देखते यार देखा जाए तो मैंने बस छोटा सा फॉर्मूला दिया था, मैं जो चिकन एसेंस ना वाई नहीं प्रूव यहाँ पे किया, यानी सारे के सारे क्रेडिट उसको यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं था सेकंड प्रिंस से जाकर मेरे लिए भी सेड वालों के साथ ऐसा लड़ाई करने लग जाएगी। तो फाइनली आखिरी का लेटर यहाँ पे बचा हुआ है, अब ये या तो ये लेटर वाई का होगा या लेटर या प्रिंसेस का होगा, देखता हूँ भाई किसका लेटर यहाँ पर है। तो बड़की प्रिंसेस का लेटर यहाँ पे था, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि सुनो यार तुम म्यूजू एरिया में गए हो ना यार, एरिया बड़ा खतरनाक है, लुटेरे कोने कोने में छुपे हुए रहते हैं, तो वाई हो तुम अच्छे से अपना ध्यान यहाँ पे रखो। हालांकि वाई गोंग बड़ा चलाक बंदा है, मुझे लगता है उसके दिमाग में कोई ना कोई सीक्रेट प्लान है जो तुमको डायरेक्ट आइडिया लगेगा नहीं, शायद गवर्नर या फिर किसी और इंपॉर्टेंट मेंबर को यहाँ पे मालूम रहेगा, लेकिन तुम्हारे पे मुसीबत आने नहीं देगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर हमारे मेकअट अभी देखता हूँ, माय गुड बड़की प्रिंसेस ने मेरे लिए लेटर यहाँ पे भेजा, बड़की प्रिंसेस जो शक्ल से एकदम सख्त लौंडिया लगती है, जो बिल्कुल भी स्माइल वगैरह भी नहीं करती, मुझे लगा था शायद वो लेटर यहाँ पे नहीं भेजेगी, लेकिन क्या उसने लेटर यहाँ पे भेजा, जो देखकर ना मैं बड़ा दीवाना यहाँ पे बन गया और इसने वाई गोंग के बारे में भी आइडिया लगा लिया, ये तो सच्ची में बड़ी चला के इमेजिन यहाँ पे करो, ऐसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तुम चाह के भी कोठे पे जाना छोड़ो, किसी और लड़की के साथ ना बातचीत करने के बारे में भी हिम्मत यहाँ पे नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लेकिन वाई का लेटर यहाँ पे नहीं आया, यानी वाई धोखेबाज है, वाई ने मुझे लेटर यहाँ पे नहीं भेजा। मैं आगे रीड करता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ था कि कुछ दिन पहले वाई मेरे पास आई थी और बैठ के खाना खा रही थी, और खाना खाते खाते उसने मुझे बोला कि तुमने उसको लेटर यहाँ पे भेजा, यहाँ पे लेटर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें तुमने उसके लिए लिखी थी और उसको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि मैं रिप्लाई कैसे करूं क्योंकि मुझे तो लेटर लिखने आता नहीं है, मैंने गलती से कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया तो गुस्सा आ जाएगा शायद तुमको। और मालूम है उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरे लेटर में कमाल का फ्लावर यहाँ पे था, उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे एरिया में कमाल का फ्लावर पाया गया है जो बड़ा सुंदर है, बड़ा चार्मिंग यहाँ पर है और मैं भी एकदम उसके जैसा यहाँ पे लगती हूँ, कितनी कमाल की बात है, मेरे भी लेटर में एक फ्लावर यहाँ पे था और सेम बातें भी तुमने मेरे लेटर में लिखी थी, यानी सेम बातें तुम दो दो लड़कियों के लिए यहाँ पे लिख भी रहे हो, बड़े हिम्मत वाले यहाँ पर हो। तो जैसे हमारा मेकअट ये लाइन सुनता है ना उसके गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी रे यार मैंने पांचों लड़कियों के लेटर में सेम बात लिखी थी और सब में फूल डाल दिया था, मुझे क्या पता था एक दूसरे को आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं वाई और प्रिंसेस के बारे में भूल गया, दोनों दोस्त नहीं दोनों बहनें जैसी आपस में मिलकर सारी बातचीत करती है, वाई तो इतनी बुद्धू है कितनी इंपॉर्टेंट बात भी दूसरे को बता देती है, प्रिंसेस को आइडिया लग गया और प्रिंसेस देखना मुझे नीच कमीना और प्ले बॉय जैसे लड़का समझती होगी, शिट यार उसके सामने मैंने क्या इज्जत बनाई थी, सारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।